तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल बिगन बॉक्सिंग में। होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, अच्छा होना भी चाहिए। जैसे कि आप देख सकते हैं, हम एक और नया मॉडल जो लॉयड की वॉशिंग मशीन का वो ले आए हैं, सेमी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन का। तो आइए इसकी बिगन बॉक्सिंग करते हैं। सो अब हमने इसको अनबॉक्स कर लिया है। आप इसका जो कलर कॉम्बिनेशन है, सबसे पहले आप वो देख सकते हैं, जो व्हाइट और इसका जो ग्रे कलर कॉम्बिनेशन है, बहुत ही जो प्यारा लुक देता है। अगर हमारे घर में ये कहीं रखी होगी तो बहुत ही अच्छा लुक इसका दिखने वाला है। और अब बात कर लेते हैं इसके टायर्स की। तो टायर्स के जो है, टायर्स इसके नीचे हमें मिल जाते हैं। तो ये इजीली साइड बाय साइड मूवेबल, बहुत इजीली मूवेबल है ये। अब बात कर लेते हैं इसकी बॉडी की। तो इसकी बॉडी जो है प्लास्टिक में, हार्ड प्लास्टिक में, और यहाँ हमें ऊपर ग्लास भी देखने को मिल जाता है। तो हार्ड प्लास्टिक और ग्लास में बिल्ट इन है इसकी बॉडी। तो बहुत ही मजबूत और बहुत ही अच्छी जो बॉडी इसके अंदर हमें देखने को मिल जाती है वॉशिंग मशीन की। अब कुछ यहाँ फीचर्स की बात कर लेते हैं। तो ये है मेमोरी बैकअप है इसके अंदर, और मैजिक फिल्टर्स हैं, और ये सॉफ्ट क्लोजिंग टफन ग्लास लिड भी हमें मिल जाती है। स्ट्रॉन्ग एंड ड्यूरेबल मॉडल मिल जाती है। फोर वॉश प्रोग्राम्स भी हमें इसके अंदर, जो लॉयड की वॉशिंग मशीन है, इसके अंदर हमें देखने को मिल जाते हैं। स्टार रेटिंग की बात कर लेते हैं, तो हमें 5 स्टार रेटिंग में जो वॉशिंग मशीन है मिलती है। और यहाँ हम देख सकते हैं कि जो 5 ईयर्स की वारंटी है वो मिलती है ऑन वॉश मोटर ओनली। तो 5 ईयर्स की वारंटी जो रहती है पूरी जो वॉशर के मोटर पे रहती है, बाकी जो पूरी वॉशिंग मशीन की है वो 2 साल की उसके अंदर वो वारंटी रहती है। और 99% एक्टिव बैक्टीरियल प्रोटेक्शन ये भी हमें इसके अंदर मिल जाता है। तो आइए इसको करीब से देखते हैं। तो दोस्तों चलते हैं वॉशिंग मशीन के कंट्रोल पैनल पे। तो यहाँ आप देख सकते हैं ये जो लॉयड की जो ब्रांडिंग है वो की गई है। उसके बाद हम ये जो स्पिन टाइमर है आप देख सकते हैं, जो 0 से लेकर 10 तक जाता है। उसके बाद हम देख सकते हैं वॉश और जो ड्रेन का ऑप्शन हमें यहाँ मिल जाता है। वॉश आपको तब यूज़ करना है जब आप कपड़े वॉश कर रहे हो, ड्रेन आपको तब यूज़ करना है जब जो सारा गंदा पानी है वो आपको बाहर निकालना हो। तो यहाँ आप देख सकते हैं वॉश लेटर में हमें 4 ऑप्शन मिल जाते हैं, डेलिकेट, जेंटल, नॉर्मल और स्ट्रॉन्ग। डेलिकेट आप तब यूज़ कर सकते हैं जब कपड़े कम गंदे हो या फिर कंबल जैसा स्टफ हो। स्ट्रॉन्ग आप तब यूज़ करिए जब कपड़े बहुत ज़्यादा गंदे हो या फिर जींस जैसा स्टफ हो। तो आपको अगर ज़्यादा वॉश करना है तो जो ये वॉशर है वो फिर बहुत तेज़ से मूव करेगा, तब आप इसको स्ट्रॉन्ग यूज़ कर सकते हैं। यहाँ हम देख सकते हैं वॉश टाइमर हमें मिल जाता है, जो ये वॉश टाइमर है 0 से लेकर 15 तक नॉर्मल है। उसके बाद ये सॉक टाइमर शुरू हो जाता है, और ये 15 से लेकर 35 मिनट तक है जो सॉक टाइमर चलता है। यहाँ हम देख सकते हैं वाटर इंसर्ट का जो हमें ऑप्शन यहाँ मिल जाता है। उसके बाद हम जो वाटर इनलेट है, अगर हमको यहाँ स्पिन पे करना हो तो इस साइड कर सकते हैं, अगर वॉशर पे साइड करना हो तो हम इस साइड इसको कर सकते हैं। देखते हैं वॉशर के अंदर। तो ये ऊपर का पहले आप लुक देख सकते हैं, जो बहुत ही जो प्रीमियम लुक है वो हमें अब देखने को मिल जाता है। ये ग्लास लुक है यहाँ दिया गया है, तो ये बहुत ही प्रीमियम लुक हमें यहाँ देखने को मिल जाता है। बहुत अच्छा जो डिज़ाइन है बनाया गया है, और ये बहुत ही अच्छी क्वालिटी में भी हमें देखने को मिल जाता है। सबसे पहले हम वॉशर में देखते हैं, जो हमें यहाँ जो इसका है वॉशर का कवर है वो हमें यहाँ जॉइंट मिल जाता है। तो ये अलग नहीं होता इससे, तो ये हमें यहाँ जॉइंट मिल जाता है इसके साथ ही। अब आप वॉशर के अंदर देख सकते हैं, ये पानी की जो इनपुट और आउटपुट की जो पाइप्स हमें यहाँ मिल जाती है, और ये कुछ कंपनी तरफ से गाइड भी मिल जाती है। और ये यहाँ हमें रोलर्स देखने को मिल जाते हैं वॉशर के अंदर, ये होल्स हैं जो पानी को बाहर निकालते हैं। और फिर हम यहाँ देख सकते हैं जो नेट है वो मिल जाता है हमें। तो ये बहुत ही अच्छी क्वालिटी का जो प्लास्टिक में बिल्ट इन जो नेट है हमें यहाँ मिल जाता है। फिर हम यहाँ देख सकते हैं, यहाँ हमें इस मॉडल के अंदर हमें जो है वाटर का जो लेवल मिल जाता है, लो, मीडियम और हाई का ऑप्शन हमें यहाँ देखने को मिल जाता है। अब हम देखते हैं कि जो ड्रायर है उसके अंदर क्या लुक है। तो ये हम ड्रायर देख सकते हैं, ये ड्रायर को ओपन कर लिया है। अब हम ड्रायर के अंदर देखते हैं, तो जो काफ़ी सारे होल्स हैं वो मिल जाते हैं ऊपर तक ड्रायर के अंदर हमें यहाँ पे, जो पानी को सोख कर बाहर निकाल देते हैं। तो ये काफ़ी अच्छा जो स्पेस है ये ड्रायर का हमें मिल जाता है, और ये पानी इनपुट का यहाँ ऑप्शन मिल जाता है, यहाँ से पानी अंदर आता है। अब आप देख सकते हैं सारी वॉशिंग मशीन को, यहाँ है जो हमें 5 ईयर्स वारंटी का यहाँ ऑप्शन मिल जाता है, और आप यहाँ देख सकते हैं जो स्टार रेटिंग है वो भी मिल जाती है।
अब बात कर लेते हैं इसकी प्राइस रेंज की। तो जो इसकी जो प्राइस रेंज रहेगी वो ऑलमोस्ट 11,800 से लेकर 12,500 के बीच बीच में रहेगी। जैसे मैं आपको हमेशा की तरह कहता हूँ कि अगर आपको इससे ज़्यादा मिले तो आपको ये परचेज नहीं करनी है, अगर आपको इससे कम में मिले तो आप इसको ऑफर की तरह भी परचेज कर सकते हैं। जो मैं ये आपको प्राइस रेंज बताता हूँ, मैं आपको ऑफलाइन मार्केटिंग की शॉपकीपर्स की जो मैं आपको प्राइस रेंज बताता हूँ, होप आपको मेरी जो इन्फॉर्मेशन दी गई है जो इसकी अनबॉक्सिंग है वॉशिंग मशीन की आपको अच्छी लगी होगी। और आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए कोई भी इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट के रिलेटेड तो आप मुझे कमेंट बिलो भी कर सकते हैं, या फिर आप मुझे, मैं इंस्टा हैंडल आपको बता दूंगा, आप मुझे वहां भी मैसेज कर सकते हैं, वहां मैं आपको इजीली रिप्लाई दे सकता हूं। तो होप आपको ये जो मेरी वॉशिंग मशीन की डेमो वीडियो है वो आपको अच्छी लगी होगी। तो अगर अच्छी लगी है तो यार वीडियो को जरूर लाइक करना, चैनल पर बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें। बिग अनबॉक्सिंग देखने के लिए थैंक यू सो मच।